हेलो एवरीवन, दिस इज मी एसबी एजुकेशन और आज मैं आप सबको सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी यानी हिंदी भाषा का एक टॉपिक का नोट शेयर करने जा रही हूँ जो कि यूनिट 5 से आता है। संभाषण कुशलता। संभाषण कुशलता निबंध को संक्षेप में लिखिए या समझाइए। संभाषण कुशलता निबंध माधव राव सप्रे जी ने लिखा है, तो आइए माधव राव सप्रे जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। पत्रकारिता के जनक पंडित माधव राव सप्रे जी का जन्म 19 जून सन 1876 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू राव एवं माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इनकी प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर में हुई एवं हाई स्कूल की पढ़ाई रायपुर में हुई तथा उच्च शिक्षा जबलपुर ग्वालियर तथा नागपुर में संपन्न हुई। पंडित माधव राव हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता थे तथा इनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय मिला। सन 1990 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब उन्होंने बिलासपुर जिले के छोटे से गाँव पेंड्रा के छत्तीसगढ़ मित्र द्वारा मासिक पत्रिका निकाली। सप्रे जी एक स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रभक्त साहित्यकार अनुवादक लेखक एवं समाज सुधारक थे तथा सन 1946 में रायपुर में इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं संभाषण कुशलता निबंध का सारांश जो मैंने अपने शब्दों में लिखा है। हमारी वाणी ही हमारी पहचान है। किसी के भी सम्मुख यदि हम जाते हैं तो यह वाणी ही है जो हमारे स्वभाव का हमारे चरित्र का परिचय कराती है। एक सज्जन को वाणी से मीठा सच्चा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास एक विशेष वार्ता गुण होता है उसे पता होता है कि किस प्रकार से अपने बातों को लोगों के सामने रखा जाए कि किसी को ठेस न पहुंचे और लोगों पर वक्ता के शब्दों की गहरी छाप पड़ जाए। ऐसे ही व्यक्ति वाणी से धनी एवं कुशल होते हैं तथा साहित्यिक भाषा में इसे संभाषण कहा जाता है। हम अपनी बातों को किस प्रकार से लोगों के सामने प्रकट करते हैं यही गुण संभाषण कुशलता कहलाती है। लेखक कहना चाहते हैं कि एक कुशल वक्ता के पास अपनी बात कहने का हुनर होता है जिससे प्रभावित होकर लोग उनकी बात मानकर वो कार्य करने के लिए भी विवश हो जाते हैं जो कार्य वो नहीं करना चाहते। जिस व्यक्ति के पास यह कौशल नहीं होता वे तो अपनी बात अपने मन की बात भी लोगों के समक्ष रखने से कतराते हैं तथा दूसरों की गलत बातों के आगे भी घुटने टेक देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के उपयोग से लोगों को अपना बना लेते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। उसे जीवन में अपनी मन की बात कहने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी मन की बात कह एवं दूसरों की मन की बात सुन सके। यही संवाद संभाषण है जहां हमें हमारे जीवन में तथा समाज में तालमेल बैठाना होता है ताकि हम किसी भी परिस्थिति को अपनी वाणी चातुर्य की मदद से संभाल सके। किसी से नम्र ना पेश आने पर भी सामने वाले की मनस्थिति बिगड़ जाती है तथा बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए हमें अपनी वाणी मधुर नम्र तथा सरल बनाने की आवश्यकता है। किसी भी बात में कूद पड़ना उचित नहीं। पहले उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए फिर उस विषय में कुछ बोलना चाहिए। जिस प्रकार एक नई बहू से लोगों को उम्मीद होती है कि उसे रसोई की सभी विषय का ज्ञान होगा और ऐसा न करने पर उसे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है तथा जब तक एक मजदूर को उसके कार्य का संपूर्ण ज्ञान न हो जाए आप उससे कोई कार्य नहीं करवाएंगे। यदि वह ईमानदार परिश्रमी होगा तब भी नहीं क्योंकि आप स्वयं का नुकसान नहीं कराना चाहते। जब किसी की कही हुई बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं तथा जब आपको यह लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बात का मूल न बोलकर उसे अनियमित रूप से खींच रहा है तब आप सांकेतिक भाषा द्वारा उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति उसके मूल बात को ना बोल करके बातों को लंबा खींचता है तो आपको खुद उसकी बात सुनने का मन नहीं करता।
तथा जब तक भी वो व्यक्ति न माने तो कड़े कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। हमें नम्र तरह से अपनी बात को लोगों के समक्ष रखना चाहिए। अपनी बातों पर अड़े रहकर ढिठाई से अपनी बात मनवाने से श्रोता को यह लगेगा कि वक्ता अहंकारी व्यक्ति है जो केवल अपनी बात मनवाने जानता है। किसी भी परिस्थिति को संभालने का यह सही तरीका होता है। कोई भी बात बोलने से पूर्व हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम विनयशील हों तथा औरों को सम्मान को ठेस न पहुंचे। हर कोई स्वाभिमानी होते हैं, सभी को अपना सम्मान प्यारा होता है, यहाँ तक कि नन्हे बच्चे भी सम्मान चाहते हैं। उनका परिचय वे प्यार दुलार के संकेतों से देते हैं और इसी प्रकार अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक वक्ता की वाणी विनयशील तथा नम्र हो तो श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तभी ऐसे व्यक्ति जो रौब झाड़ने के लिए स्वयं की तारीफ स्वयं करते हैं, वे सोचते हैं कि उससे बड़ा कोई नहीं, परंतु वे अपने स्वभाव का प्रमाण स्वयं देते हैं। एक अच्छे कुशल वक्ता की वाणी से मैं का उच्चारण नहीं होता है। मैं एक स्वाभिमानी शब्द है तथा हम का प्रयोग करना उचित होता है। मैं उस जगह परेशानी उत्पन्न करता है जहां समूह में कार्य किया जा रहा हो तथा मैं का उच्चारण कर कोई सारा श्रेय स्वयं बटोर ले। इससे सामने वाले के आपके प्रति सोच पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह दो व्यक्ति के बीच मनमुटाव का भी मुख्य कारण है। लेखक कहते हैं कि जीभ एक शक्तिशाली अस्त्र है जिसका प्रभाव शारीरिक घाव नहीं देता, मन को घायल कर जाता है। हमें अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें अपना कहा वापस नहीं ले सकते तथा अपनी कठोर भाषा से हम दूसरों के नजर से उतर जाएंगे। इसलिए हमें कुछ भी कहने से पूर्व सोच समझ कर लेनी चाहिए। किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में उसका परिचय, उसकी वेशभूषा, उसकी चाल, उसका स्वरूप देखकर हम ले लेते हैं तथा हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या बुरा, तथा हमें एक बार में ही ज्ञात हो जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। उसका व्यवहार, उसकी बोल चाल, उसकी आदतें सब कुछ कहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति सज्जन है, आज्ञाकारी है, तथा ऐसे व्यक्ति पहले बार में ही लोगों पर छाप छोड़ जाते हैं। लेखक के अनुसार सीधा बोलना, सटीक बोलना, सबकी बातें सुनना तथा सोच समझकर आदर के साथ नम्र भाव से अपनी बात को प्रकट करना, बिना किसी के मन को घात किए हुए बात कहना एक कुशल वक्ता की निशानी है। हमें दूसरों को चुगली नहीं करनी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार ही वाणी का उपयोग करना चाहिए। बड़ों एवं छोटों को समझाने का हुनर सीखना चाहिए तथा भूल होने पर गलती की माफी मांगकर हमें अपनी विनम्रता का प्रमाण देना चाहिए। ईश्वर ने हमें वाणी दी है, इसलिए हमें इसका सदा सदुपयोग ही करना चाहिए। इसलिए जब भी बोले मीठा, सच एवं प्रेम से बोले, विनम्रता से अपनी बात प्रकट करनी चाहिए। परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, हमें स्थिति अनुसार ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सुनने वालों के कानों को अच्छा लगे, सच्चा लगे, जिसे सुनने से उन्हें खुशी मिले, गम नहीं, जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। हमारी वाणी जल की भांति निर्मल, कोमल और साफ होनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि जब भी बोलो मीठा बोलो, सच बोलो, प्यारा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। तो ये था संभाषण कुशलता निबंध का सारांश मेरे अपने शब्दों में। आई होप आप सबको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसका PDF लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।